गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियड टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। साथ साथ मैंने ये बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट टोटल फोर टाइप के ब्लॉक्स होते हैं जिनको पीरियड टेबल, जिसे पीरियड टेबल में डिवाइड करा गया है, ठीक है। पीरियड टेबल को वैसे तो पीरियड्स एंड ग्रुप में डिवाइड करा गया है, फिर उसको और इजी सिंप्लीफाई बनाने के लिए पीरियड टेबल को एस पी डी एफ ब्लॉक में डिवाइड करा गया है, फिर एस पी डी और एफ को फर्दर डिवाइड करा गया है ताकि पीरियड टेबल लर्न करना इजी हो जाए। जिसमें हमने एक्सप्लेन करा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट, हैलोजेंस, कैल्कोजन, पिल्कोजेंस, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको एक बात बनी गई थी, तो वर्टिकल कॉलम जो थे एस ब्लॉक एलिमेंट थे और इधर जो वर्टिकल कॉलम था आपका पी ब्लॉक एलिमेंट था, बट इन बिटवीन एस और पी जो एलिमेंट्स थे उनको हम कौन से एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक है। दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, सो दीज एलिमेंट आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, इन एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो शुरू होते हैं कहां से शुरू होते हैं, फोर्थ ब्लॉक से, कहां से शुरू होते हैं, फोर्थ ब्लॉक से, सॉरी फोर्थ पीरियड से, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड, ठीक है। फोर्थ पीरियड से जो स्टार्ट होते हैं आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है डी ब्लॉक, आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हुए, एस और पी के बीच में जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को जो हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो स्टार्ट होते हैं आपके मोस्टली कहां से, फोर्थ पीरियड से, ठीक है। और इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड तक के एलिमेंट जो होते हैं आपके, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब बात आती है फोर्थ पीरियड का, डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है स्कैंडियम होता है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, हालांकि मैंने इस प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा, लेकिन क्योंकि आज मैं डी ब्लॉक को सेपरेट डिस्कस कर रही हूँ इसलिए लिख दे रही हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इससे प्रीवियस जो होते हैं आपके दो ब्लॉक्स हो गए आपके, यहाँ पर जो एस ब्लॉक के कितने ब्लॉक होते हैं आपके, एस के दो ब्लॉक होते हैं जिन्हें हमने एक को एल्कली मेटल कहा था और एक को एल्कली अर्थ मेटल, यानी कि यहाँ पर आपके दो हो गए, एक एल्कली मेटल और दूसरा हो गया एल्कली अर्थ मेटल, ठीक। और ऐसी पी ब्लॉक, राइट हैंड साइड को पी ब्लॉक हो गए, टोटल मिलाते कितने हो गए, सिक्स पीरियड होते थे, जो सिक्स ब्लॉक्स होते थे जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ठीक है, इसी में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिस्कस किया जाएगा। फोर्थ में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक हो गए, ठीक है, जो कि एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 21, दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें, तो हल्की सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको फोर्थ यहां पर लिख दे रही हूं मैं आपका, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, स्कैंडियम से पहले जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 20, जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर एल्कली अर्थ मेटल, शॉर्ट में लिख रखा है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 20, जिसका एटॉमिक नंबर कितना आपका 20, ये दिस इज द कैल्शियम, ठीक। अब यहां पर आपकी इनर्ट गैस थी, इनर्ट गैस को भी सेपरेटली लिख दी, कुछ चीजें सिखाऊंगी आपको मैं आज आपका करना, ठीक है। हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन और यहां पर क्या आता है आपका क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन, ये 30 हो गया, ये हो गया पांच एलिमेंट यहां पर होगा, ये हो गया टोटल मिला के 36 और इंटरस्टीशियल प्रॉपर्टी, ये कभी भी सेम नहीं होती, ये कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबिलिटी शो करती है, ट्रांजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पहली सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती है, दूसरी सीरीज यट्रोबियम से शुरू होती है,
ठीक है, ये सीरीज हो गई आपके, आपके दूसरी सीरीज कहां से शुरू हो रही है, वाई बी से शुरू हो रही है। अब वाई बी का एटम नंबर, अब क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हें एटम नंबर याद है या नहीं, कैसे याद करोगे, तो याद करने का प्रोसीजर भी है, मैं भी आपको याद करने का प्रोसीजर भी सिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है तीसरी सीरीज लेंथनिंग की, जिसका एटम नंबर कितना होता है 57, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि इससे पहले वाले एलिमेंट का एटम नंबर क्या होगा, ठीक है, ये होता है ला, जो कि आपका एच है, जो कि आपका कितना होता है 100। आप कुछ देख रहे होगे कि मैंने एटम नंबर 57 के बाद 72 लिख दिया डायरेक्ट, तो बीच के एलिमेंट कहाँ गए, तो बीच के एलिमेंट कहाँ गए, क्वेश्चन ये उठता कि बीच के एलिमेंट कहाँ गए, ठीक है। बीच के एलिमेंट जो उठा के बाहर रखे गए हैं उनको कहा जाता है लेंथ राइट सीरीज, जो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ए ब्लॉक का एलिमेंट, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ए ब्लॉक का एलिमेंट। अब ए ब्लॉक एलिमेंट, ये एलिमेंट तो अभी आपको ये भी एक्सप्लेन करें, इसके आगे एटम नंबर कैसे लिखा जाएगा। ए ब्लॉक के एलिमेंट शुरू होते हैं लेंथ नेम से, कहां से शुरू होता है, लेंथ नेम से, ये एलिमेंट शुरू कहां से होता है, लेंथ नेम से, ठीक है। तो इसलिए लेंथ नेम से शुरू होता है ये एलिमेंट, कौन से क्या कहलाता है, लेंथ राइट्स। साथ साथ आपके आपको पता है ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन आप देख रहे हो कि 71 के बाद, 71 के बाद जो एलिमेंट होता है लेंथ नेम के बाद के जो एलिमेंट होते हैं कौन से, सीरियम, पीआर, ईयू, ठीक है, ये आपके 57 से शुरू होते हैं और 71 पे खत्म होते हैं, तो ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट आप देख रहे हो कि एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इन एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कहलाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन एलिमेंट को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को मैंने शॉर्ट में टीई लिख दिया है, ठीक है। इन एलिमेंट को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से आता है। ऐसे आप पीरियड टेबल, क्योंकि ये पीरियड टेबल पढ़ने के लिए आपको पीरियड टेबल को सामने रखना ही पड़ेगा। इसके नीचे कुछ और एलिमेंट आते हैं, आप देखिए एक्टिनियम आता है, लैंथेनियम के जस्ट नीचे आएगा एलिमेंट आपको क्या है, एक्टिनियम, जो सेवंथ पीरियड में आता है, सेवंथ सॉरी एक्टिनियम जो सेवंथ पीरियड में आता है एसी, ठीक है। इसका एटम नंबर कितना होता है, 89। उसके बाद के भी एलिमेंट, 89 के बाद के एलिमेंट उठा के फिर बाहर के गए 90 से, 90 से, ठीक है, एसी के बाद के एलिमेंट बाहर के गए 90 से, 90 जो होता है थोरियम, थोरियम ये हो गया 90, ठीक है, थोरियम ये हो गया आपका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, कुछ सी सिकंदर परमानंद ने पम्मी समी को यू कट 64 के बाद आता है टीबी, ठीक है। तो 64 65 66 67 68 69 70 71, टोटल मिला के 14 एलिमेंट है, टोटल मिला के कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट, ठीक है। ये टोटल मिला के कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट, दिस इज 14 एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन उठता है ऐसी, इसके नीचे भी 14 एलिमेंट होंगे, ठीक है, थोरियम, पी ए, यू, एन पी, एन पी, पी यू, ए एम, सी एम, बी के, सी एफ, ई एस, एफ एम, एफ एम, एम डी, एन ओ, एल आई। 90 से 103 तक के एलिमेंट, 90 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 102, 103, 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्ट्राइड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसे में पड़ता है, इसलिए इनको कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझ गए कि लेंथ, आपको मेरे को ये समझाना था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या हुआ, एस और पी के बीच में जो एलिमेंट होते हैं जिसमें तीन सीरीज होती है, पहली सीरीज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, वैसे तो चारों के चारों डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं,
लेकिन 57 से 71 जो पहली सीरीज बाहर की गई है पीरियड टेबल में, ये उनको क्या कहता है लेंथेनाइट सीरीज कहता है, क्योंकि ये सीरीज कहां से शुरू होती है, लेंथ नेम से शुरू होती है। ये टोटल मिला के 14 एलिमेंट है। क्वेश्चन ये उठता है कि 14 ही एलिमेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एफ सबसेल में टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन फिल अप होता है 14, और ऑब्वा के रूल के अनुसार जब पहला एक सेल भर जाएगी तब आपकी नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो जब एफ 14 हो जाएगा तभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इसीलिए यहाँ तक 14 होते ही इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ चले जाते हैं। और आपने देखा होगा इसके अलावा हाफ नेम आता है, लेंथ नेम के बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आता है वो क्या आता है, हाफ नेम आता है। हाफ नेम के बाद एलिमेंट आपका पड़ता है 72, 73, 74, 75, 76, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ठीक है, अब ऐसी जब नीचे जाते हैं एक्टिनियम से नीचे एलिमेंट जाता है 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट, ये भी 14 ही होंगे। 14 क्यों होंगे, क्योंकि एफ सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप होते हैं, 14 फिलअप होते हैं। ठीक है, तो 14 भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, डी में भरेगा। ये तो बात आई लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की। ठीक है, बात ये होती है, मैंने आपको बात ये है कि इन एलिमेंट को बाहर इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये एलिमेंट कहलाते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एलिमेंट मोस्टली क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें मोस्टली जो आपके होते हैं किसमें रेडियो एक्टिव, ये वाले, हाँ एक्टिनाइट, ये आपके लेंथेनाइट कहलाते हैं और ये कहते हैं एक्टिनाइट। ये लेंथेनाइट तो लेंथेनाइट ही हुए, एक्टिनाइट को मोस्टली क्या होते हैं यूरेनियम के बाद के एलिमेंट, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और ये मैनमेड भी है इनमें एलिमेंट्स, मैनमेड मतलब ये नेचुरल प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये एलिमेंट क्या होता है एक्टिनाइट एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये तो सेपरेशन हो गया कि एलिमेंट को किस तरह से रखा गया, बट क्वेश्चन उठता है कि आप, मैंने लाइन छोड़ रखी थी, मैंने ये नहीं बताया कि आप इनका एटम नंबर कैसे फाइंड करोगे, किसी भी एलिमेंट का एटम नंबर कैसे फाइंड करोगे। अगर आप भूल जाओ और जानना चाहते हो किसी एलिमेंट का एटम नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसका भी तरीका आज सिखाया जाएगा आपको। देखिए किसी भी एलिमेंट का एटम नंबर फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, मैंने इसको इरेज कर दिया, बहुत ज्यादा हो गया है। अब आपको ये बताऊंगी कि किसी भी एलिमेंट का एटम नंबर अगर आप जानना चाहते हो और आप भूल गए हो, आप चाहते हो कि मुझे इसका एटम नंबर पता चल जाए, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसके करने का तरीका क्या होता है। आपको पता है कि ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको एस ब्लॉक कहते हैं, आपको पता है, बस इतना ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, ये एस ब्लॉक, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, एस ब्लॉक आपको पता चल गया है कि दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक हो अल्कली वर्टे, एक है अल्कली अर्थ वर्टे। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो आपका होता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जिसमें पहला इनर्ट गैस होती है आपकी हीलियम। ठीक है, जिसका एटम नंबर आपका क्या होता है, 2 होता है। ये भी आपको मैंने फाइनलाइज कर दिया था कि टोटल मिला के कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड लिख दे रही हूँ, फर्स्ट पी लिख दे रही हूँ। इसके बाद दिस इज सेकंड पी, दिस इज थर्ड पी, दिस इज फोर्थ पी, दिस इज फिफ्थ पी, ठीक है, दिस इज सिक्स्थ पी और दिस इज सेवन्थ पी, सेवन, सात पीरियड होते हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया 2 नंबर, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बी सी एन ओ एफ नहीं। ठीक, आपने देखा इस, बस एक चीज को ध्यान रखो, खुद इस क्लियर देखा, आपने देखा इस पीरियड में कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। ठीक है, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। ठीक, अब थर्ड पीरियड नियॉन के बाद नियॉन, ये यानी कि ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया, ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया, दिस इज कितना हो गया आपका, 5 हो गया, दिस इज 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, ये आपका 10 हो गया। आप 10 के 11 क्या हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम क्या हो गया आपका, 11 हो गया, मैग्नीशियम कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक, 13 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, 13 हो गया आपका एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 पोटेशियम सल्फर, 16 17 क्लोरीन, ठीक है, आयरन। ठीक है, अब इसमें भी कितने एलिमेंट है, टोटल मिला के देख रहे हो 8 एलिमेंट है, 6 ये होगा, 2 होगा, तो कितने होगा 8। अब आपको अभी जो आज मैंने सिखाया वो फोर्थ पीरियड से बनाना शुरू करा, फोर्थ पीरियड में आपने देखा पहले 20, ये आपका हो गया 17, और 17 के बाद कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। ठीक है, 18 के बाद 19 हो गया पोटेशियम और 20 हो गया कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद की बात करेंगे, 20 हो गया आपका, 20 हो गया कैल्शियम, हो गया 20, और इसके बाद आपने आज जो पढ़ा स्कैंडियम से जिंक तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 10। 10 क्यों हुए आपको आज क्लियर कर दिया मैंने, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और आपको पता है डी कॉन्फिगरेशन जो होता है डी10 होता है, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तो इलेक्ट्रॉन आगे वाले में भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे वाले में भरेंगे, तो टोटल मिला के काउंट करिए, देखिए ये 2 है और ये 8 है, 8 और 2 कितने हो गए,
आठ और दो कितने हो गए, 10 हो गए, और 10 ये सॉरी ये दो है, ये छह है, ये कितने हो गए, 8 हो गए टोटल मिला के 8। 8 और 10 कितने हो गए, 18। इस यानी कि इस सीरीज में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 18। तो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट है वो 2 होते हैं, सेकंड पीरियड में कितने होते हैं, 8 होते हैं, थर्ड पीरियड में कितने होते हैं, 8 होते हैं, और फोर्थ पीरियड में कितने होगा, 18 होते हैं। ठीक, अब फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ की, अब आप तो एटमिक नंबर है, आप ये हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये जेनॉन हो गया, और ये हो गया रेडॉन। आप कह रहे हो मैं एटमिक नंबर कैसे कर रही हूँ, ठीक है, अब यही आज मुझे आपको सिखाना है कि मैं एटमिक नंबर कैसे कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट का एटमिक नंबर क्लियर हो जाए, ये आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 1। अब इस सीरीज में टोटल मिला एलिमेंट कितने हैं, 2, तो देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 और अब 2 और 8 कितना हो गया, आप 2 ये हो गया, 8 हो गया। अब जो भी होगा उसमें ऐड करते रहेंगे, तो यानी कि 8 में 1 ऐड करा कितना हो गया आपका, 2, 2 में 1 ऐड करा कितना हो गया, 2 में आपका 1 ऐड करके कितने हो गए, 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये आपका कितना है, 10 है, 10 में 8 ऐड करा, टोटल मिला के एलिमेंट कितने होंगे, 18 होगा। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 18 हो गया, ये 2 में 8 ऐड करा, ये आपका 2 है, 2 में 1 ऐड करा कितना हो गया, 3 आ गया, 2 में 1 ऐड करा कितना आ गया आपका, 3। अब आप चाहते हैं कि इसका एटमिक नंबर पता चल जाए, और आपको पता नहीं है, तो आपको पता है इस सीरीज में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो ये 2, ये 3 है और ये 8 है, ठीक है, 8, 9, 10 और 11 कितने हो गए, 11। इसका एटमिक नंबर कितना, 11। इसका कितना हो गया, इस सीरीज में कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, तो 19 में 18 ऐड करो, 19 में 18 ऐड करो, ये हो गया 19 और ये हो गया 18, 8 8 16 1 17 और 1 3, ठीक है, कितना होगा, 37। तो यानी कि इस वाले जो सीरीज में ये एलिमेंट होगा, जो भी होगा यहाँ पर, इसका एटमिक नंबर कितना होगा, 37 होगा। आपको याद नहीं है लेकिन इतना तो बता सकते हो इसका एटमिक नंबर क्या होगा, कैसे, फिर से बता रही, देखिए ये 1 है, 1 में 2 ऐड करा, वहां देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, बस ये बता देती है, ये 1 है, 1 में 2 ऐड करा, 1 और 2 कितना हो गया, 3, इसका एटमिक नंबर कितना हो गया, 3। इसमें टोटल मिला के कितने एलिमेंट है, 8 है, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, ये कितना हो गया, 11, ये 11 है, 11 में 18 ऐड करा, 18 ऐड करा कितना हो गया, 11 में 8 ऐड करा, सॉरी 8 ऐड करा तो कितना होगा, 19। अब 19 में 18 ऐड करा कितना हो गया, 37। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसका एटमिक नंबर कितना होगा, 37। आपको पता है, नहीं बताया लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, हीलियम नियॉन यहाँ पर आएगा, रुबेडियम, रुबेडियम का एटमिक नंबर कितना था, 37। अब आपको मुझे ये नहीं पता इसका एटमिक नंबर कितना है, लेकिन देखो ये 37 है, 37 में 18 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में भी 18 एलिमेंट होंगे, इस सीरीज में भी कितने एलिमेंट होंगे, 18 एलिमेंट होंगे, तो 37 में 18 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 37, ये हो गया 18, ठीक है, 8 8 16, ये हो गया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया, 15, 3 और 1 4 1 5, यानी कि कितना हो गया, 55। इसका एटमिक नंबर कितना होगा, 55 होगा। तो आपने देखा ये 37 अब ये 55 है। अब आता है सिक्स्थ पीरियड की। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8 ऐड है, तो इस पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट इसलिए कहते हैं वेरी शॉर्ट, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, इन 2 पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड। ये दोनों पीरियड कौन से पीरियड कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, ये दोनों पीरियड क्या कहलाते हैं, लॉन्ग पीरियड, ये इसलिए लॉन्ग कहलाते हैं क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट है। लेकिन इस वाले की जहां बात आती है सीजीएम की, सीजन की बात आती है, तो सीजन के बाद आपको सीजन की बात आती है, तो ये सिक्स पीरियड की बात आती है। आपको पता है सिक्स पीरियड में 14 एलिमेंट उठा के बाहर रखे गए हैं, जिनको अर्थ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इस पीरियड में भी 14 एलिमेंट उठा के बाहर रखे गए हैं, तो आप इन पीरियड के एलिमेंट को भूले मत। तो ये टोटल मिला के कितने एलिमेंट है इसमें, ये 2 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, और 10 ये हो गए, ठीक है, 10 ये हो गए, कितने हो गए आपके, 18 हो गए, और ये 14 एलिमेंट और हो गए। इन 14 एलिमेंट को भूलना नहीं है ना, इन 14 एलिमेंट को ध्यान रखना है, तो 18 और 14 हो गए, टोटल मिला के कितने एलिमेंट हो गए, 32 एलिमेंट हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए, 32। तो ये जो लास्ट के दो कॉलम्स होते हैं इसमें 32 और इसमें कितने हो गए, 32, तो टोटल ये दोनों पीरियड जो कहलाते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ये पीरियड कौन से पीरियड कहलाते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो एक बात समझ में आई होगी आपको कि इन पीरियड के एलिमेंट के बेसिस पर हम इनका एटम नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा इसमें 2, मैंने आपको फिर बता रही हूँ ये 1 था, आपने 1 में 2 ऐड करा तो कितना आया, 3 आया। अगर आप मान लीजिए सपोज आप इसका जानना, आप चाहते हो कि मुझे इसका एटमिक नंबर पता चल जाए, मुझे नहीं पता है इसका एटमिक नंबर कितना होता, हमें नहीं पता, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना हो, 12, और 12 वाला जो एलिमेंट होता है किस पीरियड में आता है, शॉर्ट पीरियड में आता है, तो 12 में 8 जोड़ो, 8 ही जोड़ना है, चाहे इसका फाइंड करना चाहते हो, चाहे आप इसका फाइंड करना चाहते हो, आप कोई भी फाइंड कर लीजिएगा, तो 12 में 8 जोड़िए कितना हो गया, 20। अब आप चाहते हो इस वाले का, मुझे अब चलो ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं पता इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है और उसका एटमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, हम ये भी नहीं जानते 37 है, हम इसका फाइंड करना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा स्ट्रॉन्सियम, ऐसे तो यहाँ
यहाँ पर आएगा स्ट्रॉन्जियम, ठीक है। हम जानना चाहते हैं इसका अटैक नंबर क्या है, तो हमें पता है कि फिफ्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, 18, कितने हैं 18, तो 20 में 18 ऐड कर लीजिए, ठीक है। 20 में 18 ऐड करा तो ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया आपका 18, ठीक है। आप इस तरह से आप एलिमेंट को ऐड करते रहिए और उसका अटैक नंबर फाइंड करते रहिए, ठीक है। और लास्ट पीरियड की बात आई, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की बात आई। अब सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि 14 एलिमेंट उठा के बाहर ले गए। अभी आपको समझाया 57 से लेकर 71 ये कौन सी सीरीज कराती है, लेंथ रहे, और 90 से लेकर 103 यानी कि कितने एलिमेंट होगा, 14 ये हो गए और 14 14 ये हो गए, 14 एलिमेंट क्या हो गए, बाहर ले गए। तो 18 तो ऑलरेडी थे और 14 और ऐड कर दिए, टोटल मिला के कितने हो गए 32। तो अब इनका एटॉमिक नंबर फाइंड करना होगा, तो आप इसमें कितना ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे, ठीक है। तो अब आप ऐड करके देखिएगा, ये 55 है, ये हो गया हीलियम, नियॉन, सीजियम, सीजियम क्या फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर अगर ऐड कर फाइंड करना चाहते हो, आपको नहीं पता है फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर, तो 55 है, 55 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 55 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 55 और आपको कितना होगा 32, कितना होगा 8 और 2 7 और 5 और 1 8, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 87। अब ये बात करते हैं इसके नीचे वाले एलिमेंट की, एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, बस उन एलिमेंट के टोटल नंबर को देखिए, टोटल नंबर को देखकर हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम, वो नंबर जो भी है मैथमेटिकल नंबर, उस नंबर को ऐड करिए, नंबर को ऐड करते हैं आप उसका एटम नंबर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा, इसकी समरी कर देती हूँ मैं आज आपकी, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का, इसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल, तो ये खाली बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब आपको पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ना पड़ता है उनकी एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, कई प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज आपकी तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप इसका एटॉमिक नंबर को क्लियर करेंगे। तो एटॉमिक नंबर को क्लियर करें, अब बात आती है एटॉमिक मास, आप एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास जो होता है सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, बस सम ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन शो द वेरिएशन, ठीक है। तो इसलिए कई केसेस में क्या होता है, कई बार तो मोस्टली क्या होता है एटॉमिक मास जस्ट डबल होता है स्टार्टिंग के एलिमेंट का, बट एलिमेंट का जस्ट डबल होना तो ठीक है, लेकिन कई केसेस में ये फॉलो नहीं कर पाता। तीसरी बात, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बनाई गई है और समझने के लिए आपको समझा दी गई है, टोटल आपने देखा 118 एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में, या 120 118 से 20 के बीच में एलिमेंट, वैसे तो 118 माने गए, कुछ लोग 120 कहते हैं, कुछ मैन मेड भी है, 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, ठीक है, 120 तो छोड़ ही दीजिए, 118 ही मानते हैं, 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। 118 एलिमेंट को पढ़ाने के लिए आपको ये भी बता दिया गया है इनको चार ब्लॉकों में बांटा गया है, इनको सब ग्रुपों में डिवाइड करा गया है, लेंथ नेट को बाहर क्यों रखा गया है, लेंथ नेट को बीच में क्यों रखा गया, ये भी आपको सब समझा दिया, ठीक। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती है। दूसरी बात, ये पीरियोडिक टेबल सब कुछ होने के साथ ही इसमें एक चीज एक्सेप्शन है, कई एक्सेप्शन है, एक चीज का कई एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो हाइड्रोजन ही है, पहले एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसका एटम नंबर 1 है, और आपको पता है ये अल्कली मेटल है, क्या हाइड्रोजन अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल है ही नहीं, हाइड्रोजन तो गैस है, तो इसकी पोजीशन आज तक सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, इस पूरी पीरियड को मैंने समझा दिया, लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि इसमें आइसोटोप के लिए कोई स्पेशल पोजीशन रखी गई है, ठीक है, आइसोटोप के लिए कोई पोजीशन नहीं है, जबकि आपका पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटेनियम, लेकिन उनके लिए पीरियड में कहीं पर भी कोई पोजीशन नहीं है। तीसरा जो ड्रॉबैक्स है, या दूसरा आपका जो एक्सेप्शन है, कि पीरियड टेबल में लेंथ एंड डेफिनेट को उठा के बाहर रखा गया, उसको कोई भी ब्लॉक में नाम नहीं दिया गया, क्यों वह तो उसी का पार्ट, लेकिन उसका कोई ब्लॉक नहीं है, कोई स्पेशल ब्लॉक नहीं है, मान लोगे तो हम मान लेंगे कि थर्ड ब्लॉक का, बट उनको उठाकर तो बाहर ही रखा गया है ना, ठीक है, तो उनकी पोजिशन भी आज तक सर्टेन नहीं है, उनके पोजिशन को क्लियरिफाई नहीं किया गया। चौथा, कॉन्फिगरेशन ऑफ द एक्टिनाइड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनाइड, एक्टिनाइड्स जो होता है मैन मोस्टली जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट आपको पता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपनी एक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होता है वैरिडिटी शो करता है, रेडियोएक्टिविटी शो करता है, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए अलग पोजीशन क्यों नहीं रखी है, उनके लिए अलग सीरीज क्यों नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो कई ऐसे अनसर्टेन कंडीशंस हैं जो पीरियड टेबल को, पीरियड टेबल के इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करने के बाद पीरियड टेबल के में इनके लिए कोई भी पोजीशन क्लियरिफाई नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द मेन एक्सेप्शंस ऑफ द पीरियड टेबल, इसके अलावा भी बहुत से एक्सेप्शंस आते रहेंगे, आपके नेक्स्ट जो सीरीज चलेगी वो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियड टेबल चलेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।